फाइल लोड टेस्ट रिपोर्ट को कैसे स्टडी करेंगे डिटेल में, एज पर IS 2911 पार्ट 4 का हिसाब से हम लोग एकदम पॉइंट वाइज देखेंगे। ओके, सो लेट्स गो वन बाय वन। देखिए, ये होगी आपका इनिशियल टेस्ट फाइल, जिसका फाइल टिप लेवल है 67.7, जिसका फाइल टर्मिनेशन लेवल बोलते हैं MSL, मैक्सिमम स्कावर लेवल इज 90.35। MSL को कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसके लिए हम एक अलग से वीडियो बनाया है, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जाके देख सकते हैं। ओके, देन देखिए स्टील लाइनर, MSL तक हम लोग लाइनर प्रोवाइड करते हैं, लाइनर हम लोग क्यों प्रोवाइड करते हैं, कितना दूर तक लाइनर प्रोवाइड करना चाहिए, उसके लिए भी हम अलग से वीडियो बनाए, उसका भी आप देख सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे, इस फाइल में टेस्ट करेंगे एंड टेस्ट करने के बाद जो रिपोर्ट हम लोग के पास आया, उस रिपोर्ट को कैसे स्टडी करना है, एकदम डिटेल में देखेंगे। ये होगी आपका फाइल कट ऑफ लेवल, दैट इज 98। ओके, एंड इसी फाइल में जो सॉयल है, वो सॉयल का भी हम लोग सॉयल टेस्ट रिपोर्ट से मतलब बोरलॉग को रिप्रेजेंट किया। देखिए 99.010 से 84 तक क्ले सैंड है, मींस क्ले प्लस सैंड मिक्स होकर है, देन सिल्टी सैंड 84 से 72। जो मेरा MSL है मैक्सिमम स्कावर लेवल 90.35, यहाँ तक स्कावर हो जाएगा। ओके, एंड मींस यहाँ तक हमको लाइनर प्रोवाइड किया, एंड उसके बाद हम लोग 67.7 में फाइल को टर्मिनेट किया, कौन सा स्टेटम है, पोअरली ग्रेडेड सैंड मिक्स्ड विद सिल्ट, मींस सैंड एंड सिल्ट मिक्स होकर है फाइल टर्मिनेशन लेवल पे। ये एक्चुअली स्क्रीन फिक्शन फाइल है। ओके, और इसका क्रॉस सेक्शन देखिए, 1000 mm डाया फाइल है, मींस 1 मीटर डाया हम लोग रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया 16 और 125 mm सेंटर टू सेंटर, एंड जो ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया इन टर्म्स ऑफ द सर्कुलर टाइप 12 और 150 सेंटर टू सेंटर। हम लोग कोड के हिसाब से एक बार देखना है, जो 16 mm 125 रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया वो सही है कि नहीं। एज पर कोडल प्रोविजन के हिसाब से, एज पर IRC 78, मिनिमम रेनफोर्समेंट कितना प्रोवाइड करना चाहिए, 0.4% नॉर ग्रेटर देन 2.5%। ओके, मीन 0.4% ऑफ द पाई बाई 4 × d² दैट इज 1000 mm², जो 16 और 125 mm सेंटर टू सेंटर, दिस इज ग्रेटर देन 0.4%, ये आपको चेक कर लेना है। टेस्ट फाइल में हम लोग 0.4 से ज्यादा रेनफोर्समेंट प्रोवाइड नहीं इसलिए करते हैं, इसमें ओनली वर्टिकल फोर्स लगेगा, कोई मोमेंट नहीं अप्लाइड होगा। ओके, इसलिए मिनिमम रेनफोर्समेंट टेस्ट फाइल में हम लोग प्रोवाइड करते हैं। अभी इसी टेस्ट फाइल का रिपोर्ट हम लोग एक एक करके पूरा डिटेल में देखेंगे। ओके, तो टेस्ट फाइल का रिपोर्ट देखने से पहले आपको देख लेना है, एज पर IS 2911 पार्ट 4 का हिसाब से कौन सा पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। ओके, देखिए दिस इज अ कंप्लीट फाइल लोड टेस्ट रिपोर्ट, तो इसको पूरा स्टडी करने से पहले हम लोग एक बार देख लेते हैं IS 2911 पार्ट 4 में क्या क्या पॉइंट लिखा गया है, उसी अकॉर्डिंगली हम लोग टेस्ट रिपोर्ट को पूरा स्टडी करेंगे। ओके, देखिए सबसे पहले आपको डिजाइन लोड एंड टेस्ट लोड के बारे में देखना है। एज पर IS 2911 पार्ट 4 में लिखा है क्लॉज नंबर 5.1.2, द टेस्ट लोड प्रोविजन इन द इनिशियल लोड टेस्ट, इस जो लोड टेस्ट का रिपोर्ट है, दिस इज फॉर इनिशियल पाइल लोड टेस्ट। हम लोग जानते हैं इनिशियल पाइल लोड टेस्ट करते हैं, देन वर्किंग पाइल लोड टेस्ट करते हैं, तो हम लोग अलग से एक वीडियो बनाएंगे वर्किंग पाइल लोड टेस्ट के लिए। ये एक्चुअली इनिशियल पाइल लोड का रिपोर्ट है, तो हम लोग इनिशियल पाइल लोड टेस्ट के बारे में IS 2911 पार्ट 4 में जो लिखा है उसी को कवर करेंगे। ओके, देखिए डिजाइन लोड, द टेस्ट लोड प्रोविजन इन द इनिशियल लोड टेस्ट शैल नॉट बी लेस देन द एस्टिमेटेड सेफ लोड मल्टीप्लाइड बाय द मिनिमम फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ 2.5। ओके, मींस डिजाइन लोड हम लोगों का केस में 330 टन है, तो टेस्ट लोड और अल्टीमेट लोड होगा 330 × मिनिमम ऑफ 2.5, दैट इज 825 टन। ओके, देखिए जो टेस्ट पाइल का ड्राइंग है उसमें नोट्स में मेंशन किया है, द डिजाइन लोड ऑन द पाइल इज 330 टन एंड द टेस्ट लोड शैल बी 2.5 times द डिजाइन लोड, दैट इज 825 टन एज पर द कोडल प्रोविजन ऑफ IS 2911 पार्ट 4। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है, जब पाइल का लोड टेस्ट होगा तो मैक्सिमम अप्लाइड लोड दैट इज 825 मिनिमम होना चाहिए। ओके, एंड अकॉर्डिंगली आपको देखना है कितना डिस्प्लेसमेंट होगा। ओके, ये भी हम लोग देखेंगे। देन जो नेक्स्ट पॉइंट आपको देखना है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द पाइल लोड टेस्ट, देन देखना है फ्रीक्वेंसी ऑफ द पाइल लोड टेस्ट, आपका फ्रीक्वेंसी कितना होना चाहिए फॉर इनिशियल टेस्ट। दिस टेस्ट इज कैरिड आउट फॉर वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग, इसके लिए हम लोग इनिशियल टेस्ट करते हैं, डिटरमिनेशन ऑफ द अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी। ओके,
जो हम लोग स्टैटिक फॉर्मूला से एज पर IRC 78 और IS 2911 पार्ट 1 सेक्शन 2 के हिसाब से फॉर्मूला का अप्लाई करके जो जियोटेक्निकल पाइल कैपेसिटी कैलकुलेट करते हैं, प्रैक्टिकली साइड में कितना अचीव कर पा रहा है, इसके लिए हम लोग इनिशियल पाइल लोड टेस्ट करते हैं. ओके, टू डिटरमाइन द अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द पाइल एंड टू गेट एन आइडिया और सुइटेबिलिटी ऑफ द पाइलिंग सिस्टम, देन टू हैव अ चेक ऑन कैलकुलेटेड लोड कैरिंग लोड बाय डायनेमिक और स्टैटिक अप्रोचेस. ओके, उस फॉर्मूला को अप्लाई करके जो लोड कैरिंग कैपेसिटी आता है, जियोटेक्निकल कैपेसिटी, उसको सही है कि नहीं वो भी एक बार चेक कर लेना है. ओके, देन फ्रीक्वेंसी कितना करना है, द नंबर ऑफ द इनिशियल टेस्ट मे बी सिलेक्टेड एज गिवन बिलो डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द सबस्ट्रेटा एंड नंबर ऑफ पाइल्स एंड पास्ट एक्सपीरियंस एट द साइट. For small size project, for up to pile less than 1000 numbers, a minimum of 2 numbers test आपको करना ही है. 1000 numbers से कम होगा तो आपको minimum 2 numbers of initial test pile करना है, initial test करना है. And for large project, for piles more than 1000 numbers, a number of 2 test for first 1000 numbers of piles and for additional 1 test for every additional 1000 piles. एंड पार्ट देयर, सपोज आपका फील्ड में टोटल 3000 पाइल हो रहा है. ओके, तो इस केस के लिए पहले थाउजेंड के लिए आपको 2 नंबर टेस्ट करना है, देन नेक्स्ट 2000 के लिए आपको 1 प्लस नेक्स्ट 1000 के लिए 1, टोटल आपको 4 टेस्ट करना होगा. ओके, एज पर IS 2911 पार्ट 4 का हिसाब से. देन हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट देखना है रिएक्शन. जब हम लोग पाइल लोड टेस्ट करेंगे तो रिएक्शन हम लोग किस किस मेथड से करते हैं, केंटलेज मेथड से भी कर सकते हैं, बाय एंकर पाइल से भी कर सकते हैं और रॉक एंकर से भी कर सकते हैं, ये तीनों मेथड है. ओके, लेकिन इसमें हम लोग जो पाइल लोड टेस्ट रिपोर्ट को स्टडी करेंगे वो बाय केंटलेज मेथड. ओके, तो केंटलेज मेथड के लिए एज पर IS 2911 पार्ट 4 में क्या लिखा गया है, केंटलेज मेथड में केंटलेज प्लेस्ड ऑन अ प्लेटफॉर्म सपोर्टेड क्लियर ऑफ द टेस्ट पाइल इन केस ऑफ लोड टेस्ट बिलो अंडरपिन स्ट्रक्चर द एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर इफ हैविंग एडिक्वेट वेट एंड सुइटेबल कंस्ट्रक्शन में सर्व एज ए केंटलेज एंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द केंटलेज शुड बी कोइंसाइड विद द एक्सिस ऑफ द पाइल एंड द लोड अप्लाइड थ्रू द जैक शुड ऑल्सो बी कोएक्सियल विद दिस पाइल. मीन्स आपका सेंटर, सपोज ये आपका टेस्ट पाइल है, ये टेस्ट पाइल का जो सीजी होगा एंड ए केंटलेज का सीजी एक्सियल होना चाहिए. इफ मल्टीप्लाइड जैक्स आर टू बी यूज्ड, दिस शैल बी अरेंज्ड इन अ पैरेलल एंड कनेक्टेड इन अ सिंगल हाइड्रोलिक पंप. इन अ सिंगल हाइड्रोलिक पंप, एक ही सिंगल हाइड्रोलिक पंप से कनेक्ट होना चाहिए. और एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, एज पर IS 2911 पार्ट 4 क्लॉज नंबर 7.1.3.1 के हिसाब से, द रिएक्शन टू बी मेड अवेलेबल फॉर द टेस्ट शुड बी 25% मोर देन द फाइनल लोड प्रपोज टू बी अप्लाइड. देखिए ये हम लोग एक रिपोर्ट का स्क्रीनशॉट है, इसमें देखिए तो लोडिंग प्लेटफॉर्म को कितना होना चाहिए, हम लोग का डिजाइन लोड है 330 टन, तो 330 एंड जो मेरा अल्टीमेट लोड होगा 330 × 2.5 तो कितना होगा 825, लेकिन हम लोग 825 टन, लेकिन हम लोगों का केंडलेज के जो रिएक्शन अवेलेबल होना चाहिए 825 × 1.25 एक्स्ट्रा होना चाहिए. देखिए रिपोर्ट में क्या सबमिट किया, डिजाइन लोड इज 330 टन, तो टेस्ट लोड कितना होगा 330 × 2.5 दैट इज 825 टन. ओके, देन हमको रिएक्शन कितने के लिए अवेलेबल होना चाहिए, 25% एक्स्ट्रा अवेलेबल होना चाहिए ऑफ 825 टन, मीन्स 206.25 टन एक्स्ट्रा अवेलेबल होना चाहिए. So the total load required for the reaction is 825 plus 208.25 that is 1031.25 metric ton. तो प्लेटफॉर्म, ये जो प्लेटफॉर्म की है, प्लेटफॉर्म का वेट आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये एक्चुअली ट्रेपेजॉइडल शेप है. इसका देखिए लेंथ है 11,500 एंड टॉप का जो वेट था दैट इज 11,000. लेंथ करके ट्रेपेजॉइडल का फॉर्मूला हिसाब के सैंड का डेंसिटी का साथ मल्टीप्लाई करके, देखिए सैंड का डेंसिटी 1.5 ग्राम पर सीसी लिया, देन सैंड का वेट का जो प्लेटफॉर्म है दैट इज 1025.66. ओके, एंड एमएस एंड जो जॉयस्ट है उसका वेट 40 टन, तो कुल मिला के 1065.66 दैट इज ग्रेटर देन ऑफ 1031.25. मीन्स एक क्राइटेरिया जो है एज पर IS 2911 पार्ट
फोर के हिसाब से ये भी फुलफिल कर रहे हैं। ओके मींस रिपोर्ट ये पॉइंट में सही है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग क्या चेक करना है, एप्लीकेशन ऑफ लोड। जब हम लोग लोड को इंक्रीमेंट करेंगे पाइल के ऊपर तो कैसे करना है। ओके दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। द टेस्ट शुड बी कैरिड आउट बाय अप्लाइंग अ सीरीज ऑफ वर्टिकल डाउनवर्ड इंक्रीमेंटल लोड एंड ईच इंक्रीमेंट बीइंग 20% ऑफ द सेफ लोड ऑफ द पाइल। हम लोग का सेफ लोड कितना है, 330 टन है सेफ लोड। तो ईच इंक्रीमेंट जब होगा तो 330 का 20% होगा, 330 का 20% मींस कितना, दैट इज 66 टन। ओके तो हर एक इंक्रीमेंट में आपको 66 टन का इंक्रीमेंट करना चाहिए। मींस पहले आपको 66 टन, देन 66 प्लस 66, मींस हर एक इंक्रीमेंट को 66 में होना चाहिए। ओके देन नेक्स्ट क्या है, देन आपको डिस्प्लेसमेंट और सेटलमेंट को देखना है। द सेफ वर्टिकल लोड ऑन अ सिंगल पाइल फॉर इनिशियल लोड टेस्ट, ये इनिशियल लोड टेस्ट, ओके ध्यान में रखिए, इनिशियल लोड टेस्ट शुड बी लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, फॉर पाइल्स अप टू इंक्लूडिंग 600 mm डायमीटर एंड फॉर मोर देन 600 mm डायमीटर। हम लोग का डायमीटर 1000 mm, तो हम लोग इसी क्लॉज को अभी देखेंगे। 2/3 ऑफ द फाइनल लोड एट विच द टोटल डिस्प्लेसमेंट अटेन्स अ वैल्यू ऑफ 18 mm और मैक्सिमम 2% ऑफ द पाइल डायमीटर। हम लोग का डायमीटर है 1000 mm, तो 1000 का 2% मीन्स 20 mm और 18 mm व्हिच एवर इज लेस, तो 18 mm 2/3 लोड में मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट से कम होना चाहिए। ओके एंड नंबर बी में देखिए, 50% ऑफ द फाइनल लोड एट विच द टोटल डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 10% ऑफ द पाइल डायमीटर इन केस ऑफ यूनिफॉर्म डायमीटर ऑफ द पाइल्स एंड 7.5% ऑफ द बल्क डायमीटर इन केस ऑफ अंडर रिम्ड पाइल्स। हम लोग का यूनिफॉर्म डायमीटर पाइल्स है तो 50% ऑफ द फाइनल लोड में हम लोग देखेंगे डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा है। ओके देन और एक चीज आपको देखना है, मेंटेन्ड लोड मेथड। जब पाइल के ऊपर हम लोग मैक्सिमम जो अल्टीमेट लोड है 2.5 टाइम्स इन द डिजाइन लोड, दैट इज 825 टन, हम लोग लोड अप्लाई कर लिया एंड कितना टाइम आपको रखना है, हर एक इंक्रीमेंट के लिए कितना टाइम छोड़ छोड़ के आपको इंक्रीमेंट करना है। दिस इज एप्लीकेबल फॉर बोथ इनिशियल एंड रूटीन लोड टेस्ट। ओके इन दिस मेथड ईच स्टेज ऑफ लोडिंग शैल बी मेंटेन टिल द रेट ऑफ मूवमेंट ऑफ द पाइल इज नॉट मोर देन 0.2 mm पर आवर, 0.2 mm पर आवर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और until 2 hours have elapsed or not more than 2 hours whichever is earlier subject to a minimum of 1 hour। okay तो आपको देखना है 0.2 mm per hour और until 2 hours और minimum of 1 hour and the maximum test load shall maintain for 24 hours। ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब पाइल लोड टेस्ट होगा, जो मेरा मैक्सिमम लोड अप्लाइड हो जाएगा मींस 825 टन इन दिस केस, तो आपको मिनिमम 24 आवर पाइल को रखना ही है। ओके देन आपको ऑब्जर्व करना है जो कितना डिस्प्लेसमेंट और रिकवर किया। ओके वो भी हम लोग देखेंगे। देन ड्यूरेशन ऑफ द वर्टिकल लोडिंग, वर्टिकल लोडिंग ऑन सिंगल पाइल शैल बी कंटिन्यूड टिल वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्स प्लेस इन केस ऑफ इनिशियल पाइल लोड टेस्ट। हम लोग इनिशियल पाइल को देखेंगे, अप्लाइड लोड रीचेस 2.5 टाइम्स द सेफ लोड, इन दिस केस 330 इज द डिजाइन लोड, तो 330 का 2.5 टाइम्स मींस 825 टन को अचीव करना है। देन और मैक्सिमम सेटलमेंट ऑफ पाइल्स एक्सीड्स अ वैल्यू ऑफ 10% ऑफ द पाइल डायमीटर, और सपोज मेरा 700 में ही और 600 में ही मेरा 10% ऑफ द पाइल डायमीटर मींस 100 mm सेटलमेंट हो चुका है, देन हम लोग और लोड को नहीं अप्लाई करेंगे। ओके मीन्स इनिशियल पाइल लोड टेस्ट आर अनेबल टू टेक 825 टन लोड्स। ओके मीन्स आपको रिडिजाइन करना होगा, आइदर पाइल का डाया बढ़ाना होगा और पाइल का टिप लेवल को चेंज करना होगा और नंबर ऑफ पाइल को इंक्रीज करके आपको डिजाइन लोड को घटाना होगा, ये आपको करना होगा। ओके तो 10% ऑफ द पाइल डायमीटर इन केस ऑफ यूनिफॉर्म डायमीटर ऑफ द पाइल्स एंड 7.5% ऑफ द पाइल डायमीटर इन केस ऑफ अंडर रिम पाइल्स। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अभी हम लोग चलेंगे रिपोर्ट में, उसमें देखते हैं क्या क्या रिजल्ट आया है एंड टेस्ट पाइल जो है वो फेल हुआ कि नहीं। ओके देखिए, ये हो गया आपका इनिशियल टेस्ट पाइल का रिपोर्ट। इसमें देखिए क्या क्या चीज आपको मेंशन किया है। सबसे पहले आपको नेम ऑफ द वर्क लिखा है, देन देखिए टाइप ऑफ पाइल, बोर्ड कास्ट इन सीटू पाइल, कॉन्क्रीट पाइल, बोर्ड कास्ट इन सीटू कॉन्क्रीट पाइल, देन टेस्ट पाइल का नंबर, देन डायमीटर, देन लेंथ 30.30, ये भी आप चेक कर सकते हैं ड्राइंग के हिसाब से। ओके देन ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट, डेट ऑफ कास्टिंग, देन वर्टिकल लोड टेस्ट, इनिशियल लोड टेस्ट देखिए इसमें मेंशन किया है,
देन आपको डिजाइन लोड 330 टन, देन टेस्ट लोड देखिए 2.5 टाइम्स इंटू 330 दैट इज 825 टन, डेट ऑफ टेस्टिंग एंड हाइड्रोलिक जैक इतना 1000 मेट्रिक टन एंड ये सब आपको मेंशन किया। फोर नंबर्स ऑफ 50 mm ट्रेवल्स एंड लिस्ट काउंट इतना फोर नंबर्स डायल गेज यूज हुआ। देन देखिए ये हो गया आपका लोड वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ। इसका पहले हम लोग देख लेते हैं जो कैसे लोड को अप्लाई हुआ। देखिए सबसे पहले 11:29 PM में लोड स्टार्ट हुआ, ओके 11:29 इसमें लोड कितना है 56.55। वाई 56.55 हम लोग कोड में देखा था 20% ऑफ दैट सेफ लोड लेना चाहिए हर एक इंक्रीमेंट को, तो 20% ऑफ द 330 कितना होगा दैट इज 66 टन, लेकिन इधर लिया 56 टन दैट इज लेस देन 66, तो दिस इज फाइन, 66 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ओके तो देखिए 56.55 इसमें मेरा चारों डायल गेज का जो एवरेज डिस्प्लेसमेंट है दैट इज 0.06, तो एज पर कोडल प्रोविजन के हिसाब से दिस इज फाइन। देन देखिए आफ्टर 1 आवर एज पर कोडल प्रोविजन मिनिमम 1 आवर आपको रखना है, फिर 12:30 में लोड अप्लाई हुआ और 56.55 प्लस 56.55 दैट इज 113.1, इसमें आपको चारों डायल गेज का जो एवरेज डिस्प्लेसमेंट है दैट इज 0.17, तो 0.17 प्लस 0.06 टोटल डिस्प्लेसमेंट है 0.23, ओके देन हर एक स्टेज में देखिए 56.55 लोड इंक्रीमेंट हुआ, ओके देन देखिए फाइनल जो डिस्प्लेसमेंट आया दैट इज 12.74, लोड कितना दिया 829.40, ओके 12.74 mm मेरा डिस्प्लेसमेंट आया। इस लोड को 24 आवर ऑब्जर्वेशन में रखना है एज पर कोडल प्रोविजन के हिसाब से, तो देखिए लास्ट लोड अप्लाइड हुआ 3820 2:30 AM में, ओके तो आपको 4820 तक वेट करना है 2:30 AM तक, देखिए 2:30 AM तक वेट किया 4820 तक, उसके बाद देखिए जो फाइनल डिस्प्लेसमेंट है दैट इज 12.91 mm, ओके देखिए 4830 AM, तो देखिए लोड को रिटेन करने के बाद 12.74 से 12.91 हो गया, ओके देन हमको लोड को रिमूव करना होगा। रिमूव हम लोग कैसे करेंगे देखेंगे जे डिस्प्लेसमेंट कैसे रिबाउंड हो रहा है। देखिए फिर हम लोग लोड को रिमूव किया 829.40 फिर माइनस 56.55 को रिमूव किया तो हम लोग का डिस्प्लेसमेंट कितना आया कितना घटा 12.9 से 12.46 हुआ, फिर 56.55 को रिमूव किया देन 12.46 से 12.11 हो गया, देन फाइनल जो डिस्प्लेसमेंट रह गया दैट इज 7.66 डिस्प्लेसमेंट मेरा रह गया, ओके एंड जो रिबाउंड डिस्प्लेसमेंट हो गया दैट इज 5.25 mm, तो मेरा नेट डिससेटलमेंट कितना हुआ 12.91 माइनस 5.25 दैट इज 7.66 इज द नेट डिस्प्लेसमेंट, दिस इज विद इन द लिमिट ऑफ द कोडल प्रोविजन, ओके मींस इनिशियल पाइल पास हो गया, हम लोग अभी वर्किंग पाइल कर सकते हैं, ओके एंड वर्किंग पाइल में जो रूटीन लोड टेस्ट करते हैं वो भी हम लोग देखेंगे एज पर कोडल प्रोविजन के हिसाब से कैसे पूरा रिपोर्ट को स्टडी करते हैं, ओके सो थैंक यू दोस्तों, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड आप चाहते हैं जो कुछ नया टॉपिक हम कवर करें तो नीचे कमेंट करके आप हमको बता सकते हैं, थैंक यू।